नमस्कार भव्य श्रीनिव समय नुपुर। कुछ लोगों को मैनिया होता है या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा दिखावा कर अपने अमीर होने का सबूत भी पेश करते हैं। खाने पीने का सामान बड़े होटल या दुकान से खरीदना पसंद करते हैं। सामान्य दुकानदार के पास फटकते तक नहीं, जबकि सभी दुकान में एक जैसा ही सामान बिकता है और बनाने वाले एक सामान्य ही होते हैं, तो फर्क क्यों? अमीर पैसे से नहीं, दिल से बनना चाहिए, तभी दुआएं भी लगती है। मगर सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग बहुत दरिया दिल भी होते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। अमीरों की झलक तो वैसे भी दूर से ही उनके व्यक्तित्व से नजर आता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक ऐसा ही वाक्य पढ़ने को मिला है। बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र घाघरा नदी के तट पर बने बेहला बेहरौली तटबंध का निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ में अधिकारियों की टीम थी। जिलाधिकारी को दूर एक झोपड़ी में कुआ बनाती हुई एक महिला दिखाई पड़ी। जिलाधिकारी ने अपनी गाड़ी को वहां ले जाकर रुकवाया और महिला की झोपड़ी में प्रवेश किया। उनके साथ अधिकारी भी उतर गए, लेकिन उन लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि आखिर डीएम महोदय यहां क्या करने आए हैं। महिला इस बात से अनभिज्ञ थी कि वह व्यक्ति कौन है। उसे लगा कोई राहगीर है, या तो पता पूछने आया होगा या फिर कुछ और। जिलाधिकारी महोदय ने उससे 1 kg कुआ खरीदा। तब तक लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो गया और तब महिला को पता चला कि उनका कुआ स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने खरीदा है। जिलाधिकारी ने सिर्फ कुआ ही नहीं खरीदा, उस महिला का हालचाल भी पूछा और कुआ की जानकारी भी ली एवं कुआ टेस्ट करने के बाद एक सफल ग्राहक होने का सबूत पेश करते हुए महिला का सम्मान किया। अपनी फूस की झोपड़ी में वहाँ के जिलाधिकारी को कुआ खरीदते व खरीद देख महिला काफी देर तक उन्हें निहारती रही। यह दृश्य काफी भावविहल करने जैसा था। महिला की खुशी का उस वक्त ठिकाना न रहा जब जिलाधिकारी ने कुआ का स्वाद चखा, फिर कुआ खरीदा, फिर देखते ही देखते महिला का सारा कुआ बिक गया। भारत के लोग नकलची ज्यादा होते हैं, वैसे ही मनुष्य के नकल की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ने की जरूरत है। एक अच्छे खासे व्यक्तित्व के धनी लोग जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, उनका अनुकरण लोगों को करते देर नहीं लगती। मैंने बहुत सारे ऐसे अफसरों को देखे हैं जो आम आदमी बनकर लोगों की समस्या को कम किया है।